नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मेटी वर्क बनाना सिखाएंगे। मेटी वर्क में आज हनुमान जी बनवाएंगे। तो सबसे पहले कपड़े की नाप लेकर कटिंग करेंगे डिजाइन के अनुसार। यह मेटी वर्क वाला कपड़ा है। यदि आप लोग पहली बार बनाएंगे तो मेटी वर्क का वो भी मार्केट में आता है, उसकी डिजाइन के अनुसार बना सकते हैं। हम आपको बताएंगे स्केल से नाप नाप कर डिजाइन को मेटी वर्क में कैसे बनाते हैं। यदि बुक से देखकर बनाते हैं तो डिजाइन का घर को गिन गिन कर बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको कपड़े की नाप लेकर कटिंग करेंगे और सेंटर में निशान लगाकर डिजाइन को नाप नाप कर कैसे बनाया जाता है वह बताएंगे। कपड़े की लंबाई चौड़ाई लेंगे, 16 इंच चौड़ाई में रहेगा और 12 इंच लंबाई में रखेंगे। ये देखिए, इधर से इसको 12 इंच लिए हैं, ये 12 इंच लेंगे और यह पूरा 16 इंच है। डिजाइन के अनुसार इसको कम ज़्यादा ही देखेंगे। पूरा 16 आ रहा है, 16 इंच ऐसे और 12 ऐसे। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, कपड़े की कटिंग कर लिए हैं। यह 12x16 इंच का है और अब इसका एकदम सेंटर यहाँ पे है, नाप लिए हैं। बिल्कुल सेंटर में एक पहले निशान लगा देंगे। देखिए, सेंटर में निशान हो गया। अब बताते हैं आपको, सबसे पहले स्क्रीन बनाना शुरू करेंगे स्क्रीन कलर से। तो इस प्रकार स्केल से नापेंगे ऐसे, और नाप के स्केल जैसे हाथ की कितनी ये ऐसे लंबाई है और कितनी चौड़ाई है, तो सेंटर से बनाना शुरू करेंगे और नाप नाप करके पहले सेंटर से ही बनाना शुरू करेंगे और नाप करके स्केल से नापते जाएंगे। जैसे अगर फेस बनाएंगे तो यहाँ पर इसको ऐसे नाप लेंगे और उतने घर बनाते जाएंगे। ये देखिए, जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो पैर है इसको 3 सेंटीमीटर ही यहाँ पे बनाएंगे, सेंटर से ही बनाना शुरू करेंगे। बताते हैं अभी, ये देखिए ऐसे बीचों बीच रख के। आप लोगों को एक चीज़ तो बता दें, यदि बनाने में आप लोगों को कठिनाई आएगी, इस प्रकार यदि नाप ले करके नहीं बना पाते हैं तो इसको कार्बन पेपर रख के डिजाइन को ट्रेस कर लीजिए और ट्रेस करके भी इसको डिजाइन को बना सकते हैं। यदि डिजाइन कठिन लगे तो ट्रेस करके बना लीजिए। इसको यहाँ पे कपड़े के ऊपर कार्बन रख लिए और कार्बन के ऊपर डिजाइन रख करके ट्रेस कर लीजिए। इसमें इसका बनाने का सही तरीका है, घर को गिन गिन करके बनाते हैं। आपको ये डिजाइन बना कर दिखाते हैं। देखिए, ज़्यादा बड़ा धागा रखेंगे तो फंसने का डर रहता है। यहाँ से यहाँ एक बार लिए, अब इसको यहाँ डालेंगे और यहाँ निकालेंगे। अगर एक बार ऐसे करते हैं तिरछा और एक बार ऐसे तिरछा, तो आपका ये एक घर बन गया। मेटी वर्क बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, बुक ले लें इसका, मेटी वर्क का एक बुक ले लें और उसमें जो डिजाइन पसंद आए उसे ही बनाएं। और उसमें स्पष्ट दिया रहता है कितना घर कहाँ पे बनाना है, तो बस घर को गिन गिन के बनाएंगे तो सही बनेगा। ये देखिए, अभी इसको ये घर पूरा यहाँ तक लाएंगे बनाते हुए, फिर आगे बढ़ेंगे।
बुक लेकर के घर को गिन गिन के बनाए, डिजाइन में जितने घर बने रहते हैं उसको गिन के बनाना सही रहता है। ये देखिए मैं टी वायर का इस प्रकार तिरछा ऐसे दो बार लाइन निकालते हैं। एक बार और आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ लाएँ और यहाँ से यहाँ, बस इसी प्रकार घरों को गिन गिन कर बनाया जाता है। अभी हनुमान जी का, ये हनुमान जी बना रहे हैं तो अभी हनुमान जी का पैर बना रहे हैं तो ये यहाँ तक इसको बनाएंगे घरों को। आप लोग बुक लेकर के ही बनाइए तो डिजाइन सही बनेगा। ये देखिए ये मेटी वर्क का जो हनुमान जी बना रहे हैं उसमें आज ये पहाड़ बना रहे हैं, जो संजीवनी बूटी ले जाने वाला पहाड़ होता है तो उसको बना रहे हैं ये इस कलर के धागे से। इसमें और दूसरे कलर के धागे से बीच बीच में फूल या पौधा बना देंगे। अभी ये सिर्फ पहाड़ बना रहे हैं संजीवनी बूटी ले जाने वाला। मिट्टी वर्क में घर को गिन गिन के बनाना होता है। बस इसको जैसे पहले दिन बनाए बताए हैं बस उसी प्रकार इसको बनाते जाना है। इसका मिट्टी वाला बुक से डिजाइन को गिन गिन करके बनाया जाता है। ये अभी हनुमान जी का पैर के ऊपर का भाग बना रहे हैं। ये देखिए ये हमारा हनुमान जी मेटी वर्क में लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये ऊपर बादल बना रहे हैं तो ये कंप्लीट हो जाए और हमारा यह मेटी वर्क में हनुमान जी कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ बादल और यहाँ इस तरफ भी बादल बनाएंगे। ये देखिए मेटी वर्क में हनुमान जी कंप्लीट हो गया और यह टेबल क्लॉथ है, इसको भी मेटी वर्क के जरिए ही बनाए हैं। इसमें घर को गिन गिन करके बनाते हैं। मैम के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।